समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर बड़ा प्रहार करते हुए बयान देते हुए खुद के विकास कार्यों का गुणगान किया है। उसका जमीन पर काम नहीं है, काम केवल इतना इधर किया है सरकार ने, नाम बदलने का। अगर नाम ही बदलने का काम है तो शायद जनता के बीच में सच्चाई लेकर के समाजवादी लोग लेकर के जाएंगे। रंगना पोतना शुरुआती जब सरकार की हुई तो रंग और पोत रहे थे बीजेपी के लोग, जब रंग और पुतने से उब गए तो क्योंकि काम किया नहीं तो नाम बदलना शुरू कर दिया। और तमाम उत्तर प्रदेश की और खासकर लखनऊ की योजनाएं समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी। मैं शायद अगर गिनाना चाहूं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार में बना, कट का उद्घाटन किया बीजेपी ने, लोक भवन समाजवादी सरकार में बना लेकिन उसको भी नई दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। कि नाम उनके कैसे हो जाए, चाहे कुछ भी उनको करना पड़ जाए। जिस स्टेडियम में शानदार मैच हुए थे T20, आने वाले समय में IPL भी होंगे, समाजवादी सरकार में बना लखनऊ का स्टेडियम, केवल लखनऊ के लिए नहीं और भी स्टेडियम बने थे, आने वाले समय में कम से कम उत्तर प्रदेश में 10 जिले ऐसे हों जहां इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और IPL, T20 या इस तरह के क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकें। मेट्रो योजना जो समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी अभी भी उसी पे कार्य चल रहा है, आगे कैसे लेकर के जाएं मेट्रो, वो लखनऊ में अभी तक कोई योजना उसकी नहीं बनी है, शायद वो पूरी भी नहीं होगी। कानपुर की जो मेट्रो थी वो रुक गई, और शहरों में जो समाजवादी सरकार ने बनाई थी केवल अपने नाम से उद्घाटन किया। कैंसर इंस्टीट्यूट अभी तक अगर बन के तैयार हो जाती तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों में जहां पर लोगों को कैंसर के इलाज की जरूरत है, शायद लखनऊ में कैंसर के इलाज मिल जाता। अच्छा बताते चले आपको, सीएम योगी ने सत्ता में आने के बाद कई स्टेशन के नाम बदल दिए, जिसे लेकर अब विरोधी लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।